ये तो बताओ उनका पिता दिखता कैसे? मैंने जिस लड़की को पसंद किया है तुम उससे शादी करो, क्योंकि मुझे इस घर के लिए बहू चाहिए महारानी। से बहन के साथ जुड़ी हुई है ना, उसके बिछड़ने के ख्याल से दिल भर आया होगा। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? ये मेरे हिस्से की खुशियां हैं, ये मेरा रिश्ता है, मेरे नसीब की मोहब्बत है ये मेरी आप ही मुझसे कैसे छीन सकती हैं? असद को क्या हो गया? असद अंधे हो गए हैं क्या? उन्हें मुझ में और आप ही में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मुबारक मुबारक क्या किया तुमने? हाँ किया क्या तुमने? ये क्या तुम मेरे से फोन भी नहीं उठा रहे थे? मेरा ऑफिस है, प्लीज। ऑफिस है तो मैं क्या करूं? बैठ जाओ। मेरी बात सुनो, तुम तो मेरा रिश्ता बुझाने वाले थे, अब मेरी बहन तुम्हारी दुल्हन बन गया। मेरी गलती नहीं है ये, सरासर तुम्हारी ही गलती है। तुमसे इतना नहीं हुआ कि एक ज़ईफ़ औरत को एक गिलास पानी पिला दो तुम? मेरी माँ ने तुम्हारी 1000 बुराइयां गिनवा दी मुझसे। बुराइयां गिनवा दी? पानी ना पिलाने की सजा मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा सर। तेरा मेरी गलती नहीं है, मैंने अम्मी को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, वो नहीं सुन रही। मैं क्या करूँ बोलो? मैं नहीं सुनी तो तुमने मुझे छोड़कर मेरी बहन को अपनाने का? और क्या करूँ, अपनी माँ को बनने तू? मैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हट जाओ यहाँ से। ऐसा ताल्लुक था कि जिसने सिर्फ जलन दी है, एक ऐसी आग के जो बुझाई नहीं बुझती।
या तो खुद को मार डालूंगी या कोशिश करूंगी कि तुम्हारा सामना ना हो। हीरा, यहां क्या कर रही हो तुम? अरे तुम रो क्यों रही हो? ये मौका तो खुशी का है। क्या आंसू भी खुशी के? नहीं, ये आंसू खुशी के नहीं है, ये बल्कि बहन से बिछड़ जाने के गम के। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, एक ही तो बहन है मेरी, वो भी मुझसे दूर जा रही है, मुझे नहीं तो और किसे रोना आएगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे गम समेट लूँ। मेरे गम इतने हैं कि तुम समेट नहीं सकोगे। हीरा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, आओ बहन और बहनोई के साथ तस्वीरें बनवाओ। अभी तो आई हूँ मैं यहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आओ आओ। लो भाई, साली आ गई है, अब इसके साथ भी तस्वीरें बनवाओ। अरे आप कहाँ चली गई थी? यहाँ सबके साथ पिक्चर्स हो गई और आपकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही। हीरा, अब बहन से चिपक कर मत बैठ जाना, बहनों के साथ बैठो, तस्वीरें खिंचवाओ। बिल्कुल सही कहा भाई, बेगम हो या ना हो लेकिन 4-5 सालियां जरूर होनी चाहिए। अरे अब इसे क्या हुआ? बहन की बहुत ज्यादा लाडली है, माँ बाप से ज्यादा इसे बहन से बिछड़ने का दुख है। अब आप रोना शुरू मत कीजिएगा, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। बेटा, तुम यहाँ खड़ी रो रही हो और वहां सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे, इस मौके पर क्या रोना धोना मचा रखा है? अब इतना भी दुख नहीं होता बहन के बिछड़ने का, चलो आओ मेरे साथ। आप जाए फूफो जान, मैं आ जाऊंगी। अच्छा एक बात सुन, जूता छुपाई की रस्म हो गई है, अब जाके जितने मर्जी पैसे बटोर सकती हो बटोर लो, चलो। फूफो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वहां पे और भी लड़कियां, आप उनसे जूता चुराई की रस्म करवा ले। लो भला, साली के बगैर जूता छुपाई की रस्म कैसे होगी? इस वक्त चलो और शादी के बाद जितना चाहे बीमार हो लेना, चलो। कह दीजिए जो आपके दिल में। तो फिर सुनिए मिस सबा, आप मेरा समझौता बन के इस घर में आई हैं।
आज तो बहुत थक गए है ना? हाँ भाभी, शादी ब्याह में तो थकन हो ही जाती है। चलो शुक्र है अल्लाह का कि खैर खैरियत से सबा की रुख्सती हो गई। अब तो यही दुआ है कि वो अपने घर में सुखी रहे। वैसे भाभी आज सबा बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही थी। तो मेरी बेटी चांद नहीं है क्या? मेरी दोनों बेटियां चांद जैसी हैं। ये हीरा नजर नहीं आ रही। वैसे आज ना बारात के दौरान वो बहुत बुझी बुझी सी थी। बहन से प्यार जो बहुत करती है, उसके गम में घुली जा रही। जब से सबा की शादी की बातचीत हुई है, तब से उसने खाना पीना भी छोड़ा हुआ था। और आज तो और भी निढाल हो गई। पूरी शादी में आप इसी तरह से बेजार दिखाई दिए। वैसे भाभी मेरी माने तो आप जितनी जल्दी हो सके हीरा का रिश्ता तय कर दें, बल्कि उसकी रुख्सती कर दें तो अच्छा है। आजकल देखिए कैसा जमाना है, जवान लड़की को घर में बिठाना कितना मुश्किल हो जाता है आज के दौर में। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो आरफा, दिल तो मेरा भी यही है, लेकिन हालात भी तो साजगार हों और फिर कोई मुनासिब रिश्ता भी हो। अच्छा और मुनासिब रिश्ता मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। इसे मुझे आपका दामाद असद बहुत अच्छा लगा है, सबा को बहुत खुश रखेगा। मेरी सबा भी तो किसी से कम नहीं है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो सब कुछ नहीं जो शायद आप सुनना चाहती हैं, बल्कि वो सब कुछ जो शायद आपको अच्छा ना लगे। जो बातें सुनने के बाद अच्छी ना लगे, ऐसी बातें ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, फिर जिंदगी भर मुझसे कोई सवाल मत कीजिएगा आप। सुनिए, कह दीजिए जो आपके दिल में। तो फिर सुनिए मिस सबा, आप मेरा समझौता बन के इस घर में आई हैं। आप मेरी माँ की ख्वाहिश थी, मेरी माँ की पसंद है आप। आपको जब मैंने कहा था कि इस शादी से इनकार कर दें, तो क्यों इनकार नहीं किया आपने? आपको बहुत शौक था मेरी माँ की खिदमत करने का। अब जिंदगी भर मेरी माँ की खिदमत ही कीजिएगा। सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या आपकी जिंदगी में मुझसे पहले कोई और है? सपने मेरे यूं छिन गए, खाली न हुए, मेरी चाहते न मेरी रही, हर माँ भी खो गए, रहे हर और फैली सिर्फ तन्हाई, जिंदगी
असद आप ही का घूंघट उठा रहे हैं, आप ही मुस्कुरा कर शर्मा कर उन्हें देख रहे हैं। सब झूठे दिल से ही सुन, मगर आप ही से प्यार भरी बातें कर रहे हैं। मुंह दिखाई दे, गले लगाया हुआ नहीं, नहीं मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ ये सब। आपको पसंद नहीं करता और यही हकीकत है, एक तल्ख हकीकत जिसने मेरी सारी जिंदगी में कड़वाहट खोल दी है। लेकिन आपने सिर्फ अपनी अम्मी की खातिर, क्योंकि मैं अपनी मां की मजबूरियों के आगे मजबूर था, लेकिन आप तो आजाद थी ना। जब मैंने आपसे कहा था कि इस शादी से इनकार कर दी तो क्यों इनकार नहीं किया आपने? इस शादी के लिए जितना कसूरवार मैं हूं उतनी आप भी हैं। अपने जहन में बिठा लें आप ये, अब कीजिए तस्लीम इस तल्ख हकीकत को। हीरा बेटा, हीरा बेटा, बेटा तेरे ऊपर सबा की रुखसती से बहुत ही उदास और परेशान, दिल पर असर ले रहे हैं बेटा, तू उनके लिए ऐसा कर, एक गिलास ग्लूकोज का बना दे। देख बेटा अब हशाश बशाश हो जाओ, बस करो ना। अब देख मेरा और अपने बाप का सहारा तू ही है, अब हम दोनों बूढ़े माँ बाप का बोझ तेरे ही जवान को, तुझे ये बोझ उठाना। चुप कर, आती जाती रहेगी वो, तू जल्दी से ग्लूकोज बना कर दे अब्बा के लिए। चल
सुनिए, मुझे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे समझौते की नजर हो गई जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं था। तो कसूर तो मेरा भी कोई नहीं था। बस मुझे ठीक ये लगा कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं, इसलिए बता दिया मैंने ताकि कल आप मुझसे कोई गिला ना कर सकें कि मैं टाइम नहीं देता, मैं तुम्हें प्यार नहीं देता। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं मान लेती हूं इस बात को, पर जो हो चुका है निभाना तो हम दोनों को है ना, क्योंकि हम दोनों की जिंदगियां शादी के एक बंधन में बन चुकी है। मैं ये नहीं कहती कि एक बीवी की तरह मुझे प्यार दें, पर लहरों की तरह हमदर्दी तो दे सकते हैं ना। मैं ये भी नहीं कहूंगी आपसे कि मुझसे प्यार भरी बातें करें, लेकिन सबके सामने इस तरह से नॉर्मल तो रह सकते हैं ना, जैसे दो दोस्त रहते हैं। मैं नहीं करूंगी कभी कोई गिला। आई थिंक हम भी ठीक कहते हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप भी ठीक कह रही हैं। हमने जिन लोगों के लिए कुर्बानियां दी हैं वो कुर्बानी सिर्फ आपने दी है, मैंने सच्चे दिल से खुलूस के साथ खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपसे शादी की। बहरहाल मैं एक अच्छा शौहर बनने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जज्बाती तौर पर आपसे अटैच नहीं हो सकता कभी, इसलिए प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। ठीक है, नहीं रखूंगी। ये कैसा इंसाफ है कि एक ही आदमी दोनों बहनों की जिंदगी खराब करे, उन्हें रुलाए। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। नहीं असर, तुम्हारी इसी बुजदिली ने मुझे सारी जिंदगी का गम दे दिया। सलाम अलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम आरफा, कैसी हो? क्या बात है, जाना नहीं है? और ये भी अभी तक तैयार नहीं हुई? बस कह रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, लोग खामखा बातें बनाएंगे। कहां तो बहन की जुदाई में रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, कहां नाश्ते की रस्म भी ले जाने को तैयार नहीं है। जूता छुपाई की रस्म भी आपने नहीं की भाभी, लोग बातें बनाएंगे। अच्छा बस करे ना, सारा काम मैंने किया है, शादी का घर संभाला हुआ, ये किसी को नजर नहीं आता, थक कर चूर हो गई हूँ मैं। कोई एहसान नहीं किया तुमने अगर बहन की शादी में इतना काम किया है तो।
नजर आ रहा है मुझे। उठ जा बेटा, तैयार हो जा, नाश्ता भी तो तूने ही लेके जाना है ना। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो जीती रहो, अल्लाह खुश रखे जिंदगी दे, सदा सुहागत। नाश्ता कर लिया था बेटा? भाभी तो घर से नाश्ता आने का इंतजार कर रही थी, मगर हमने इनको थोड़ा बहुत तो करवा ही दिया। चलो अच्छा किया। बेटा सब ठीक तो है ना? आप लोग बातें करें, मैं सब भाई को लेकर आती हूँ। और बेटा कैसी? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हैं 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 भाई, मतलब सुना था कि शादी के बाद लोग बीवियों से बेजार हो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी बेजार हो जाते हैं ये नहीं सुना था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरबाज भाई आप। पता है सारे मेहमानों को भी यही हैरत हो रही है, इस वक्त तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से जुड़े बैठे होते हैं, उन्हें खींच खींच कर कमरे से बाहर निकालना पड़ता है, मगर ये तो लगता है भाभी साहिबा ने पहले ही दिन से ही सबक सीखना शुरू कर दिया, इसलिए तो बेचारे बेजार होकर बाहर आ बैठे हैं। आप लोग मुझसे कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो ये दरख्तों से महवे गुफ्तगू हैं। असद भाई आपके ससुराल वाले नाश्ता लेकर आ रहे हैं। भाई तो वे दुल्हन साहिबा कैसी हैं? कुछ जाके देख लो। क्या बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई है बेचारी, बदकिस्मत। लगता है भाभी साहिबा अपनी तारीफ सुनने को बेचैन रह जाएंगी। वैसे असद भाई आज कुछ अखबार में खास खबर है? आप अपनी लाइव ट्रांसमिशन बंद करेंगे तो मैं पढ़ लूं अखबार? चले अरबाज भाई चलकर नाश्ता करते हैं, यहाँ असद भाई की दाल नहीं गलेगी। दाल होगी तो गलेगी ना, यहाँ तो चने हैं वो भी लोहे के। चलो मैं तो दुल्हन के साथ जाकर नाश्ता। क्या हुआ आपी? सब खैर तो है ना? सब अभी आप ये बताएं आपको दुल्हा भाई ने तोहफे में क्या दिया? ऐसा तोहफा दिया जो जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। क्या हुआ है? कुछ नहीं, अम्मा अब्बा की बहुत याद आ रही। अरे छोड़े सब आप ही, ऐसा भी क्या माँ बाप का दुख, हमने तो ये देखा है शादी की पहली सुबह लड़कियां माँ बाप तक को भूल जाती हैं। रस्ते में मत आया करना, आपका मेरा रास्ता अब जुदा हो चुका है। मेरा पागलपन अब भी तुम्हारा ही रास्ता देख रहा है। जिस रास्ते पर निकलकर तुम अपनी मंजिल पा चुके हो, बेहतर होगा उसी रास्ते पर अपने कदम भी रखो। और वैसे भी दिल का कहना मानकर आज तक किसको सुकून मिला? दो कदम साथ चलने वालों को हम सफर नहीं कहा जाता, हम सफर तो वो होता है जो सारी जिंदगी आपके साथ चले। और वैसे भी आपके हम सफर तो अब आप ही हैं। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। समझाने और समझने का वक्त गुजर चुका है सर, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो कुछ हो उसमें आप ही का कोई कुछ नहीं। लोगों ने वो मकान दे दो जो उन कहा गया। तो पता मैंने आप ही के चेहरे में उदासी की लंबी तह जमी देखी,
उनकी आंखों के आंसू आपकी बदसलूकी की कहानी सुना रहे। ये कैसा इंसाफ है कि एक ही आदमी दोनों बहनों की जिंदगी खराब करे, उन्हें रुलाए। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। नहीं असर, तुम्हारी इसी बुजदिली ने मुझे सारी जिंदगी का गम दे दिया। कम से कम अब मेरी बहन को तो खुश रखो। और बेहतर होगा मुझे तनहा देखकर मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। और अगर अगर तुमने मेरी बहन को तंग किया तो मैं तुमसे। ये क्या हो रहा है असद भाई को अकेला मत समझना। अगर तुम भी साली हो ना तो मैं भी नंद हूँ। चले असद भाई नाश्ता कर ले। आप सो जाइए, मैं बाहर सोऊंगा। असद, जब मेरी किस्मत में ये बेचैनियां लिख दी गई, आप क्यों तकलीफ उठाएं? आप सो जाइए, मैं चली जाती हूँ। वहीं रहिए, कल कुछ समझाया था ना आपको? क्यों दे रहे हैं मुझे ये सजा? ये सजा मैं खुद भी भुगत रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप फरियाद कर सकती हैं, मुझे इसका हक नहीं है। क्या बात है आपी, वहां से यहां क्यों चली आई? मेरा दिल नहीं लग रहा है ना वहां ना यहां। क्यों? आज तुम्हारी चौथी है, देखो सब किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, इतना धूम मच रहा है, सब खुश हैं, और तुम उदास हो। आखिर बात क्या है आपी? अगर अब भी नहीं बताया तो शायद मेरी जान निकल जाए। क्या मतलब? असद की जिंदगी में कोई और लड़की है शायद। से प्यार नहीं करते, मैं मुझसे प्यार नहीं है ना। कौन लड़की है वो? आप जल्दी बता दो वरना मेरा दिल फट जाएगा।
नहीं बताया उसका? नहीं। अरे आप दोनों यहाँ बैठिए, चले वहां खाने लग गया, और आप क्यों कर रही हैं यहाँ? चले आज आए चले। रास्ता हो और तुम ही मेरी मंजिल, मैं तुमको ही चाहता था और अब भी तुम्हें ही चाहता हूँ। कौन है वो लड़की? उस लड़की का नाम क्या नाम है उसका? तुम आप क्या कर रही हैं यहाँ पे भी? माफ कीजिएगा, मैं आपके और अपने दरमियान का फासला बरकरार नहीं रख सकी। आप बेख्याली में किसी लड़की का जिक्र कर रहे थे, बस उसी का नाम जानने के लिए आपके जरा करीब आ गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही मैं तो। पर आप तो ख्वाब में कुछ और ही कह रहे थे कि तुम्हें मेरा रास्ता हो, तुम्हें मेरी मंजिल। कल भी तुम्हारा था और आज भी। नहीं वो मैंने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी है ना, नई गाड़ियां देख रहा हूँ आजकल, तो शायद जहन में वही था इसलिए मुंह से निकल गया होगा। ख्वाब में मैं नई गाड़ी में किसी रास्ते पे जा रहा था तो। चलिए मान लेती हूँ, आपकी बेरुखी भुगतते हुए 4 दिन हो गए, अब मेरा भी मान रख लीजिए। क्यों? आप कमरे में सो जाइए, नहीं आए? नहीं अब्बा, वो मुझे ड्रॉप करके चले गए, कहने लगे ऑफिस में काम है, देर हो रही है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी, दरवाजे पे आए 2 घड़ी को सास ससुर को सलाम तक ना किया। मुझसे मेरे जज्बों से खेलोगी तुम? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो। पल हो गए वो जुदा, खुशियां भी हैं लापता, जुस्तजू में जिनकी हम हर लम्हा चलते रहे। ना मुझे मोहब्बत मिली, मुरझा गई वो कली, धड़कनों में खिल के जो धीरे से पलते रहे। ना मेरी कोई